मैं सूरज चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले गंदा है चल नहीं हमको खाना है भूख लगी है हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे ब्याह हो गया है तुम्हारा एको गौने के बाद अपनी मांग में भरना हमरा गौना जब होगा तब होगा इसको तो हम सनिचरी को सखी तोड़ाई में देंगे अरे तेरे बोल घर में मेहमान आए तुझे सखी तोड़ाई में देने के लिए सिंदूर के टिपिया लाए थे छोड़िए ना बाबू आज के बाद तू यहां नहीं दिखेगी इतना जान ले काहे सवाल मत कर चल ननकू अरे काहे बकरी की तरह घसीट रहे हो ये बिटिया के हैं नहीं नहीं बल्ली भाई घर में कुछ काम था इसलिए ले जा रहे थे काम था कि जलन हो रही है तुम्हें लोचन से कि अपनी बिटिया सनिचरी का गौना कैसे कर रहा है हुँ? नहीं नहीं ऐसा कौन नहीं ननकु हम उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाए देते हैं हम सब समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है टेंशन काहे लेते हो तुम चाहो तो तुम्हारी बिटिया का भी गौना हम सनिचरी की तरह करवाए दें बोलो तो बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी बिटिया अरे सब अच्छा हो जाएगा आखिर हमारी भी तो भतीजी लगती है और गांव के हिसाब से हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना नहीं नहीं बल्ली भाई हम अपनी बिटिया का गौना हमारे बल पर ही कर लेंगे चल जा अंदर चुपचाप बैठ क्या हो गया आज के बाद यह सनिचरी के घर नहीं जाएगी काहे नहीं जाएंगे
हमको पसंद आई है बस। हमको बहुत ही पसंद है, माई हमारी बचपन की सखी है। अब बोलते हैं कि चुप, बक बक मत कर, जो कह रहे वो कर। अगर सनीचरी के बाबू से आपका कुछ हुआ है तो उसे हमको क्या मतलब, हमको सनीचरी से काय मिलने नहीं दे रहे हैं। चुप, इनको सब नहीं आना चाहिए मुंह से, बात को समझाएगी। जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं का, अंदर जा। काहे नहीं टका सा जवाब दे दिए तुम, हर किसी को सनीचरी का बाप समझ लिए है का, सब कोई उसकी तरह बेटी बेचवा नहीं होता, बोले काहे नहीं तुम। अगर गिद्ध की नजर आसमान से मांस पर पड़ जाती है ना, उकरे लिए वो जमीन पर उतर आता है। बल्ली को का तुम मामूली समझती हो का? ललिया के बाबू, अब चाहे जैसे भी हो, पूरन मासी से पहले तुम बस्तौरा चले जाओ, ललिया के ससुर से बात करके गौना का दिन पक्का कराओ। भगवान, जिसकी अमानत है उसके घर चली जाए। हम कुछ पैसों का इंतजाम करके जाते हैं बस्तौरा, दूसरा कोनो रास्ता नहीं है। बाबूजी हमको डांट दिए, पता नहीं कहाँ हो गया उनको, न जाने सनीचरी की कौन बात से नाराज हैं। आज सनीचरी के घर से हमको खींच कर लेकर आए हैं, सखी तोड़ाई भी नहीं देने दिए। वो कहा है कि सनीचरी के बाबू के साथ उनका मन मुटाव हो गया है, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष, हम दोनों सहेली को काहे सजा दे रहे हैं। जानते हैं कि दो चार दिन में सनीचरी ससुराल चली जाएगी, फिर भी अब तो बस हम भी सोच लिए, अब हमारा गौना जल्दी से हो जाए और हम तुम्हारे पास आ जाए। ये बाप चाचा की लड़ाई में हम सखी काहे मरे, हमको नहीं रहना यहाँ, हमको भी तुम्हारे पास आना है। तुमको आने की जरूरत नहीं, हम खुद आएंगे तुमका लेने। बोले का, लेकिन तुम कैसे, समझ गए ये तुमने, हमारा दिल बोल रहा है, अभी भी बोलने लगा है तुम्हारी भाषा। आ रहा है
पूछ रहे? अरे कौनो पहन लो, का फर्क पड़ता है? पर काय नहीं पड़ता है, जो हम पर सबसे ज्यादा जचेगा वही ना पहनेंगे। बताओ ना कौन सा साड़ी पहने, का बार 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 देख रही है? बताना दोनों में से कौन सा साड़ी पहने, बताना माई। ये वाला पक्का, ये हम पर बहुत अच्छा लगेगा ना। जाके अंदर जाके साड़ी वाड़ी के फॉल ऑल लगा, गोटा उटा लगा, अपन गौना में ऐसे ही साड़ी पहनेगी का? नहीं नहीं अभी जा रहे, सब कर लेंगे अब। अरे पगला गई का, ये भी लेके जाना। काम हुआ का? जूता सब इनको फिर से बनाऊंगा, ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी मेहनत से ठीक हो जाएंगे। ये सब का तुम करोगे का? बाजार जाके बेचूंगा, कुछ पैसा आएगा बस तोरा चला जाऊंगा। अब तुम ये सब काम करोगे? हम अपनी बेटी के गौना के लिए कुछ और करेंगे। तीन चार पांच, पंद्रह सोलह सत्रह कतना है? अरे का बताएं कतना है, बार बार गिनती हूँ फिर भूल जाती हूँ। अरे जिंदगी में कभी इतना नोट देखी है का? कभी इतना कमाए थे का जो देखती? अब देख लो। तुम्हारे बल पर थोड़ी देख रही हूँ, अपनी बिटिया की वजह से देख रही हूँ। जब बिटिया पैदा भई थी तब तो कहते थे इसे नदी में फेंकाओ, और अब कहते हो घर में लक्ष्मी आई है। अच्छा अच्छा बस अब ज्यादा बिटिया वाली मत बनो, अरे पैसा उठा के संदूक में रख दो। बल्ली इतना सारा पैसा ले लिया, वरना गिनते गिनते तुम्हें सुबह हो जाती। बिटिया हमारी और सिर्फ सौदा कराने का इतना सारा पैसा ले लिया, फिर भी बहुत पैसा है। ये पैसा उठाओ संदूक में रख दो, जाओ। हम सोच रहे थे कि कहीं सनिचरी को पता चल गया तो। ए माई, उकरी जगह ई साड़ी पहनी तो?
खुश रहो पायला को काकी। अरे बच्ची बैठो यहाँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। कैसी है बिटिया? बस काकी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अरे काका, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो कुछ नहीं, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका, तब से टावर ढूंढ रहे हम, मिल ही नहीं रहा। टावर? अरे मिल गया टावर। हेलो 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 हेलो। हेलो ये कहाँ है? बताता है बताता है। हेलो हेलो, ये बिंदी रखने वाली टिप्पी है का? अरे नहीं, ये फोन है, मोबाइल। अरे फुल मत दे दे। हेलो हेलो, फिर से कट गया। ये का काला डिब्बा मुंह में लगाए तब से अकेली बात कर रही थी। अरे काका, ये डिब्बा नहीं मोबाइल है, इस देश दुनिया में कभी भी कहीं भी बातें हो सकती है। कहीं भी? सर सहारा आपने भी? हाँ दीदी, ऐसे खाना भी मिलता का? पगला, इससे सिर्फ बात होती है। ए दीदिया, मुझे भी देखने देना, हमें देखने दो ना, हमें दिखा दो। अरे बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो। अरे फोन आया हमारा, वो तो बात तो कर लेने दो। हेलो 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 हेलो, कट गया। ए फुलवतिया, ये काहे से बार बार कट जाता है? टावर मिलता ही नहीं यहाँ पर। चल ना कहीं बाहर चलते हैं, जहाँ पर टावर मिलेगा वहाँ मैं तुझे बताती हूँ कैसे बात कैसे होती है। चल। ए बच्चा लोग, तू लोग आ रहे, बैठ यहाँ पे। हमको भी जाना है। हाँ हाँ बैठ यहाँ पे। चल फुलवतिया, चल रे मुन्ना। दीदी मुन्ना, मेरा बाबू तुम फूलमतिया और लाली से जाके कह देगा कि हमने उसको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। कह देगा ना मुन्ना? ऐसा निचरी, तू किससे बात कर रही है रे? मुन्ना तू अभी जा और ना लालिया फूलमतिया से जरूर कह देना कि हमने उसको बुलाया है। हाँ तो जल्दी जा। हम पूछ रहे तुम किससे बात कर रही थी? बोलती काहे नहीं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कौन था, क्या बात कर रही थी? Thank you.
किसी से कुछ कहने लायक, आपने छोड़ा ही कहा है? से तो अच्छा होता कि आप जहर दे के मार डालती। कौन ठगवा नगर चंद